हेलो, मैं सोच के टूटे के पता लगे बहुत अच्छा खुशखबरी है रियलमी 6 प्रो वालों के लिए, क्योंकि रियलमी 6 प्रो पर आ चुका है एंड्रॉयड 11 और रियलमी UI 2.0 का स्टेबल अपडेट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एक्चुअली स्टेबल अपडेट है। जिन लोगों ने बीटा अपडेट किया था उनको भी स्टेबल मिल जाएगा, और जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया था जो एक्चुअली नॉर्मल यूजर है उनको भी स्टेबल अपडेट मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उसका डाउनलोड साइज क्या होगा, वर्जन नेम क्या है और क्या क्या चेंजेस है, थोड़े बहुत आपको इसके बारे में डिटेल्स देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सो हे फ्रेंड्स, मैं हूं तापोस, आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके वर्जन नेम और इसके डाउनलोड साइज की। इसका जो वर्जन नेम है वो है RMX2061 11C.15। एक और बात, जो लोग बीटा यूजर है उनको C15 या फिर C13 वाला वर्जन मिलेगा, लेकिन हाँ दोनों ही स्टेबल है, ये तो कन्फर्म आप मान के चलिए। उसके बाद इसका जो डाउनलोड साइज है वो है 3.42 GB या फिर 3.46 GB हो सकता है। इधर जो बीटा यूजर है उनका 400 MB के आसपास है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बीटा यूजर का अलग होता है और जो नॉर्मल यूजर है उनका डाउनलोड साइज अलग होता है। बात करें चेंजेस की, तो सबसे बड़ा चेंज आपको एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज है। उसके बाद रियलमी UI 1.0 से आपको 2.0 देखने को मिलेगा, और जो रियलमी UI 2.0 है बहुत सारा फीचर्स है, बहुत ही स्मूथ है रियलमी UI 1.0 से 2.0, और एंड्रॉयड 11 का आपको सारा फीचर्स मिलेगा जो आपको एक्चुअल देखने को मिलता है। बात करें सिक्योरिटी पैच की, तो आपको इधर 5 अप्रैल 2020 ऑन का मिलने वाला है। अपडेट में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, नया नया चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत हद तक आपको स्मूथ एक्सपीरियंस आएगा। उसके साथ साथ आपको थोड़े बहुत बग्स भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अपडेट में ऐसा होता रहता है। लेकिन बग को छोड़ते हैं और आते हैं फीचर्स के बारे में, तो रियलमी UI 2.0 में बहुत सारे फीचर्स है और काफ़ी स्मूथ भी है एक्चुअली। और हाँ, आप मेरे पास तो रियलमी 6 प्रो है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मैं आपको थोड़े बहुत हाईलाइट बोलना चाहूँगा कि इसमें आपको UI में चेंजेस देखने को मिलेगा, जो आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे खोलते हैं, ऐप ड्रॉअर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, लॉन्चर में आपको नया फीचर्स देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको नया चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आप गेम स्पेस यूज़ करते हैं अपने गेम खेलने के लिए, फ्री फायर हो या फिर आप PUBG खेलते हो, तो वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट और एक नया UI देखने को मिलेगा। फोटोज मतलब कि गैलरी के ऑप्शन में आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा, जैसे कि प्राइवेट सेव करके एक ऑप्शन है, उधर आपको देखने को मिलेगा। आपको नया फिल्टर्स भी देखने को मिलेगा डिफॉल्ट एप्लीकेशन में। कैमरा में आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट और फीचर्स देखने को मिलेगा, हालांकि मेरे पास एक्चुअली है नहीं रियलमी 6 प्रो, इसके लिए मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा कि कैमरा कितना एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है या फिर नहीं। और भी एक्सेसिबिलिटी रियलमी लैब में आपको एक फीचर देखने को मिलेगा कि स्लिप कैप्सूल नाम का एक फीचर आपको देखने को मिलेगा। स्लिप कैप्सूल एक्चुअली है कि आप अपना फोन को थोड़ा कम यूज़ करेंगे और थोड़ा सोने में ध्यान दें, ये एक्चुअली है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप फोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास रियलमी 6 प्रो है तो आपको सेटिंग करना जाना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर क्लिक करना, वहाँ पे आपको अपडेट आ जाएगा। अगर आपको नहीं आया है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 4-5 दिन, आप 7 दिन तक मैक्सिमम वेट कीजिएगा, आपके फ़ोन में अपडेट आ जाएगा। रियलमी बैच बाई बैच पुश करता रहता है, तो उस हिसाब से आपका भी नंबर आएगा, कोई टेंशन लेने बात नहीं, स्टेबल अपडेट सबके लिए है, सबको आएगा रियलमी 6 प्रो के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन बताया इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगता है लाइक कर देना, और एक बात, अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा।